ये जो दिन आपके बिना बीते हैं, मेरी विधाता से एक ही प्रार्थना है कि इन्हें मेरे जीवन से सदा सदा के लिए मिटा दे, क्योंकि राम के बिना सीता का कोई अर्थ नहीं, राम के बिना सीता का कोई अस्तित्व नहीं। माता, प्रभु श्री राम के प्रति आपका प्रेम देखकर मेरा हृदय भाव विहल हो उठा है। माता, यदि प्रभु की आज्ञा आती तो मैं अभी इसी क्षण सधर्मी रावण का अंत कर आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता। जंगमाली हूं मैं और मेरी शक्ति ही मेरा परिचय है। अब तुम्हारी यही शक्ति तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। जय श्री राम। माली, बड़ी शीघ्रता थी ना तुम्हें अपने महाराज रावण से भेंट करने की, तो जाओ मृत्यु से पूर्व कर लो दर्शन उस रावण के। जय श्री राम। रावण, तुम्हारा अंत तो प्रभु श्री राम ही करेंगे, किंतु उससे पूर्व तुम्हारे अधर्म को शक्ति देने वाली इस औषधि को मुझे ही जड़ से उखाड़ना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश किंतु पूजा कर राम को अतुलित बल धाम। अंजनी गुप्त बल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश किंतु पूजा कर राम को अतुलित बल धाम। अंजनी गुप्त बल सुनाम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश किंतु पूजा कर राम को अतुलित बल धाम। जाबुमाली, तुम जैसे वीर की ये स्थिति। लंकेश, वो कोई साधारण वानर नहीं है, वो अत्यंत ही शक्तिशाली वानर है। उसे पराजित करना इतना सरल नहीं है। जाबुमाली, जिसने जाबुमाली का वध कर दिया उसे केवल एक ही व्यक्ति बांध सकता है, मेघनाथ। मेघनाथ, मेरे पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। पिताश्री। भैया, मेघनाथ को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस वानर को बंदी बनाकर लाऊंगा यहाँ। किंतु पुत्र, तुमने अभी तक कोई युद्ध नहीं लड़ा है। पिताश्री, इसीलिए तो अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहता हूं मैं।
पूरे संसार को दिखाना चाहता हूँ कि मेघनाथ का भाई अक्षय भी उन्हीं की तरह शक्तिशाली है। तो ठीक है, जाओ राम दूत को बंदी बनाकर यहाँ मेरे सम्मुख लाओ। जो आज्ञा पिताश्री। रुको पुत्र। अपने एक पुत्र को तो अधर्म के रास्ते पे जाने से नहीं रोक सकी मैं, किंतु तुम्हें मैं वो भूल नहीं करने दूंगी अक्षय। नंदोदरी, किस अधर्म की बात कर रही हो तुम? एक पुत्र अपने पिता का साथ दे, क्या ये अधर्म है? नहीं महाराज, किंतु एक पराई स्त्री का हरण करना अधर्म है, और इस अधर्म में मैं अपने पुत्र को भागी नहीं बनने दूंगी। और जो इसी स्त्री के पति ने, उसके भ्राता लक्ष्मण ने मेरी बहन सुपर्णखा के साथ जो किया, क्या वो अधर्म नहीं है? क्या वो अपराध नहीं है? किंतु महाराज। क्षमा करें माता, आपको मुझे आदेश देने का पूरा अधिकार है, परंतु मैं अपने पिता के आदेश का निरादर नहीं कर सकता। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। जय भवा। अक्षय, तुम तो दूत हो ना, तो जाओ जाकर ये संदेश दे दो अपने राम को, यदि वह जीवित रहना चाहता है तो दास बन जाए मेरे पिता का। यदि एक शब्द भी और प्रभु श्री राम के विरुद्ध कहा तो क्या हनुमान सत्य नहीं सुन सकते? तो सत्य तो यही है ना, यदि वो वनवासी राम मेरे पिता की सेवा में आ जाए तो मेरे पिता श्री की होने वाली पत्नी सीता। तुमने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी, प्रभु श्री राम का जो अपमान करे, उनका जो निरादर करे, इस संसार में उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। जय श्री राम।